चलिए अगली खबर है रांची से, एक ब्रेकिंग खबर है जिसे आपको रूबरू करा देते हैं। रिम्स के प्रशासनिक भवन में बैठक हो रही है, रिम्स के ज्यादातर पदाधिकारी बैठक में मौजूद है, कोविड टास्क फोर्स के सदस्य भी बैठक में मौजूद है। शाम 4 बजे रांची उपायुक्त के साथ होगी बैठक, रिम्स में कोविड व्यवस्थाओं की हो रही है समीक्षा। तो एक अहम और जरूरी बैठक कोविड टास्क फोर्स के साथ, और रिम्स के जो सदस्य है वो भी बैठे इस बैठक में शामिल हुए हैं। शाम 4 बजे रांची उपायुक्त के साथ होगी बैठक। आपको बताना चाहेंगे कि जो रिम्स प्रबंधक की तरफ से तैयारियां हैं उस पर चर्चा होगी, और किस तरह से रिम्स जो स्वास्थ्य विभाग है और किस तरह से वहां पर मरीजों के लिए इलाज की व्यवस्था है, कोविड व्यवस्थाओं की समीक्षा हो रही है। रिम्स के ज्यादातर पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि शाम को कोविड टास्क फोर्स के सदस्य भी इसमें मौजूद है, और शाम की अगर हम बात करेंगे तो शाम को भी इस बैठक में उपायुक्त के साथ ये बैठक आगे बढ़ेगी। समीक्षात्मक बैठक है कहीं ना कहीं ये जानने की कोशिश कि कोविड व्यवस्थाओं को लेकर रिम्स प्रबंधक कितना सजग है और किस तरह से, क्योंकि अगर झारखंड की बात करेंगे तो यहाँ पर कोरोना संक्रमण का जिस तरह से दायरा बढ़ता जा रहा है, रिम्स की बात हम करेंगे तो यहाँ पर मरीजों की संख्या लगातार आती ही जा रही है और कई गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग होते हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, ICU में उन्हें भर्ती किया जाता है। तो इन तमाम व्यवस्थाओं पर किस तरह से रिम्स प्रबंधक काम कर रही है। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की बात करेंगे तो पहले 50 ऑक्सीजन गैस सिलेंडर खपत यहां पर होता था, लेकिन अब ये बढ़कर 250 सिलेंडर हो चुका है। तो कई अहम मुद्दों पर ये बैठक है और बातचीत है। रिम्स के ज्यादातर पदाधिकारी इस बैठक में शामिल है, कोविड टास्क फोर्स के सदस्य भी बैठक में मौजूद है। शाम को 4 बजे DC भी इस बैठक में शामिल होंगे। रुक करेंगे अपने सहयोगी सत्यवर्त का, इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर है। सत्यवर्त, एक अहम बैठक यह है, रिम्स कोविड व्यवस्थाओं को लेकर यह बैठक हो रहा है, कोविड टास्क फोर्स के सदस्य भी इसमें हैं, और रांची रिम्स की बात करेंगे तो प्रशासनिक भवन में यह बैठक हो रही है, क्या कुछ इस बैठक में, चूंकि अगर हम बात करेंगे रिम्स की, लगातार वहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज पहुंच रहे हैं और झारखंड में जो संख्या है संक्रमितों की वो भी बेतहाशा बढ़ रही है, आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, शाम 4 बजे के करीब रांची के जो उपायुक्त हैं छवि रंजन की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिसमें रिम्स के जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। उसी को लेकर रिम्स प्रबंधन जो है वो फिलहाल बैठक कर रहा है, रिम्स के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में एक बैठक चल रही है जिसमें रिम्स के जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, रिम्स निदेशक डॉक्टर मंजू गारी की अध्यक्षता में फिलहाल यह बैठक चल रही है, जिसमें रिम्स के अधीक्षक उपाधीक्षक मौजूद हैं। साथ ही जो कोविड के इस महामारी में टास्क फोर्स का निर्माण किया गया था, रिम्स में कोविड टास्क फोर्स की टीम बनाई गई थी, जिसमें रिम्स के जितने भी बड़े चिकित्सक हैं, विभिन्न विभाग के जो विभागाध्यक्ष हैं उन्हें रखा गया था, और लगातार उनके ही निगरानी में रिम्स की में जो कोविड की व्यवस्था है वो की जा रही थी। भले ही समय समय पर लगातार ऐसे आरोप लगते रहे हैं रिम्स के कोविड चिकित्सकों पर, खुद जो है DC ने भी आरोप लगाए थे कि कहीं ना कहीं जरूरत है कि कोविड टास्क फोर्स के जो सदस्य हैं उन्हें बदलने की। तो फिलहाल एक काफी महत्वपूर्ण बैठक आज होनी है जो गोपनीय शाखा में, जिसकी अध्यक्षता जो है वो रांची के DC करेंगे, और उसी बैठक के सिलसिले में फिलहाल रिम्स प्रबंधन जो है वो समीक्षा बैठक कर रहा है कि क्या कुछ रिम्स ने अब तक कोविड काल में किया, कितने मरीजों की। सत्यवर्त, आपसे जानना चाहेंगे जो व्यवस्थाएं अभी रिम्स में है और जिस तरह से संक्रमितों की संख्या भी बढ़ रही है, क्या इन व्यवस्थाओं को भी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, इस बैठक में ये भी बात की जाएगी कि व्यवस्थाओं को बढ़ाया जाए क्योंकि संक्रमितों की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है। देखिए, बिल्कुल यही कारण है कि उपायुक्त ने यह बैठक बुलाई है और रिम्स प्रबंधन के सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, क्योंकि रिम्स राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है। रांची में जितने भी कोरोना के संक्रमित मिल रहे हैं, चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक हो या फिर गंभीर रूप से जिनमें अगर कोई लक्षण है, वैसे लोगों को लगातार रिम्स में भर्ती किया जाता है। साथ ही रांची के अलावा दूसरे जो जिले हैं झारखंड राज्य के, वहां से भी जो गंभीर मरीज होते हैं जिन्हें ICU वेंटिलेटर जैसी सुविधाओं की जरूरत होती है, उन्हें रिम्स रेफर किया जाता है। तो रिम्स एक प्रमुख जो है वो संस्थान है पूरे राज्य की अगर बात करें, और वैसे में कैसे इन व्यवस्थाओं को और बढ़ाया जा सकता है और मजबूत और सुदृढ़ किया जाए और मजबूत किया जाए, तो इसे लेकर ये खास बैठक जो कि प्रशासनिक भवन रिम्स में हो रही है, रिम्स के ज्यादातर पदाधिकारी बैठक में मौजूद है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यवर्त, हमारे साथ फोन लाइन पर तमाम जानकारी दे रहे थे। कोविड टास्क फोर्स के सदस्य भी इस बैठक में मौजूद है, आगे जानकारी आपको दे दें कि 4 बजे DC पहुंचेंगे, इस बैठक में शामिल होंगे।